फिल्म द केरल स्टोरी पर जारी बवाल के बीच यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ये फिल्म देख भी सकते हैं। जी हां, इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अरेंज किए जाने की बात अब सामने आ रही है। सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल मीडिया अकाउंट से फिल्म को लेकर के ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, द केरला स्टोरी, उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है। वहीं देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, द केरला स्टोरी, यूपी में टैक्स फ्री। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होने से पहले सटे हुए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को कहा था कि द केरला स्टोरी आतंकवाद का सच्चा चेहरा उजागर करती है और इसे टैक्स फ्री किए जाने की जरूरत है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फिल्म द केरल स्टोरी पर उनका फैसला सही। उन्होंने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया। पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को दिखाने पर तुरंत से रोक लगा दी गई। वहां फिल्म दिखाने वाले किसी भी सिनेमाघर के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी, ये बात सामने आ रही। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में अभी तक फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। द केरल स्टोरी को लेकर के राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हुई और तमिलनाडु के लिए कहा जा रहा है कि वहां के सिनेमा हॉल मालिकों की तरफ से ये निर्णय खुद ही लिया गया है कि फिल्म को रिलीज ना किया जाए। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस बीच फिल्म के एक क्रू मेंबर को एक अनजान मैसेज से धमकी भी मिली है। इस मैसेज में कहा गया है कि घर से अकेले बाहर ना निकले। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद फिल्म द केरल स्टोरी के निर्देशक सुदीप्त सेन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद क्रू मेंबर्स को पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया करवा दी गई। हालांकि मामले की कोई लिखित शिकायत नहीं होने के कारण पुलिस ने अभी तक धमकी भरे केस में कोई FIR दर्ज नहीं की। द केरल स्टोरी को लेकर फिल्म की रिलीज से पहले ही तमाम तरीके के विवाद खड़े होने लगे कि ये फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली फिल्म है। और अब उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने के बाद विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि बीजेपी केरल में अपना हित साधना चाहती है, इसीलिए फिल्म को इस तरह से प्रमोट कर रही है। लेकिन इस बीच आम जनता को फिल्म पसंद आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पटल पर द केरल स्टोरी की गूंज कहां तक जाती है।